मेडिकल केयर नहीं है, और अगर है तो ये मंत्रियों के बच्चे, विधायकों के बच्चे क्यों नहीं, क्यों नहीं उन अस्पतालों में इलाज कराते हैं? मौलिक सवाल ये है बिहार का, इसको एड्रेस कीजिए, पार्टियों से ऊपर उठकर कीजिए, लेकिन आप नहीं करें। मैं आपको बताता हूं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री को इस टर्म में नहीं, पहले टर्म में तारामंडल में जब सुशील मोदी उनके डेप्यूटी थे, मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर बिहार में किसान आंदोलन नहीं होता स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 30s and 40s में, तो बिहार पहला राज्य नहीं बनता जिसने जमींदारी उन्मूलन कानून पास किया। यहाँ जोशी से बैठे हुए मीना तिवारी से मैं समझता हूँ वो फेयर नहीं था, क्योंकि डिस्कशन उस पर नहीं था। आपने फ्यूडलिज्म सेमी फ्यूडलिज्म का सवाल पूछा, ये जो फ्यूडलिज्म का जो मोड है, इकोनॉमिक सोशल एंड पोलिटिकल मोड, उसको सबसे पहला धक्का जमींदारी उन्मूलन कानून ने, और ये कानून नहीं पास होता तो वह सोशल इकोनॉमिक क्लास जो पिछले 30 years से शासन में, मैं लालू जी का राज, राबड़ी जी का राज और नीतीश जी के राज की बात करता हूं, इतनी जल्दी सत्ता में नहीं आती। लेकिन क्या काम है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी मैं पूछता हूं कि लैंड रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट आप कब लागू करेंगे, आप चुप हो जाते हैं। और शकील जी, आरजेडी सुप्रीमो से मैंने पूछा यही सवाल, आप कब लागू करेंगे, उन्होंने टाल दिया। तो कहीं कहीं ये सवाल बनता, लेकिन एक दो बात कहकर समाप्त करूंगा क्योंकि आपके पास समय कम है। मैं आज आ रहा था कोतवाली पुलिस स्टेशन के पास पैदल आ रहा था, क्योंकि मेरे पास वाहन नहीं था, मैं टेम्पो से आया। एक आदमी अचानक मेरे पास से गुजरा, मैं नाम नहीं जानता, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, पकड़ लिया, लगता है माइनॉरिटी का था, मुसलमान था। उसने कहा कि सर क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, क्या मेरा जन्म यहीं नहीं हुआ, आप हमको लोग क्यों, लोग हमको अलग मानते, सच कहिए, हृदय द्रवित हो। मैंने उसको गले लगाया, कहा मैं तो जिंदगी भर यही लड़ाई लड़ता रहा इंसानियत की, मुझे क्या कहते हैं। लेकिन आज आप जितनी रकम खर्च कर लें, बजट का साइज तिगुना कर लें अशोक जी और मोदी जी दिल्ली में, लेकिन ये एहसास क्यों नहीं होता है मुसलमानों को और दलितों को कि हम उसी समाज के हिस्सा हैं, बराबर के भागीदार हैं। इस सवाल का जवाब चाहिए, मैं इमोशनल हो गया, क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप इकबाल शकील साहब, आप बात कर रहे थे सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज, इकोनॉमिक इशूज को मत भूलिए। अगर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, दलितों का भविष्य भी, मैं नहीं कहता कि सोशल इंपावरमेंट पॉलिटिकल ये इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस है, आपकी पढ़ाई लिखाई मिश्र में वर्ड यूज कर रहा हूं, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी है एन ऑटोनॉमी, सोशियोलॉजी है एन ऑटोनॉमी, मैं उसको स्वीकारता हूं, पॉलिटिक्स है इट्स ऑटोनॉमी, बट इकोनॉमिक्स इज डिटरमाइंस इवन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स इन अ बिग वे। और अगर इकोनॉमिक की बात नहीं करें, और वहां मोदी की, मनमोहन सिंह, नीतीश कुमार सभी एक है, वो जो इकोनॉमिक मॉडल है आपका एक है, इकोनॉमिक का सवाल, इकोनॉमिक मॉडल का सवाल है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लाने वाले आपके मनमोहन सिंह हैं, और आप शिक्षा और स्वास्थ्य को बाजार की वस्तु आपने बना दिया, कॉर्पोरेट को पॉलिटिक्स पर हावी करने का आधार बना दिया मोदी को आगे लिया। पुनर्विचार कीजिए, गरीबों का राज, किसानों, मजदूरों, दलितों, आईटी की बात तभी आप एड्रेस कर पाएंगे। थैंक यू। हमारे यूनाइटेड
माइनॉरिटी फ्रंट के प्रवक्ता हैं।